कहानी विश्वभर में आप सुनिए आज की कहानी हॉस्पिटल की करवा चौथ। मैं पूर्णिमा की पूजा कर रही थी तभी राजू के पापा आए। मैं पूजा पूरी करके इनके पास गई और मैंने पूछा कि राजू की रिपोर्ट में क्या आया है। इन्होंने कहा पीलिया निकला है। मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा अब क्या होगा, मैं रोने लगी। कल डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं, इन्होंने कहा। राजू की आँख सबसे पहले पीली हो रही थी। सुबह जब डॉक्टर के पास गए उन्होंने बहुत से टेस्ट कराए जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे। डॉक्टर ने कहा इसे रेस्ट कराना है और बहुत सी दवाइयाँ ड्रिप के जरिए देना है, एडमिट करना पड़ेगा। एक हफ्ते एडमिट किया किंतु कोई असर नहीं, पूरा शरीर पीला पड़ गया था। अब इन्होंने कहा कि नागपुर ले चलते हैं। हम लोग तुरंत उसे लेकर नागपुर गए। दो दिन आईसीयू में एडमिट किया किंतु प्लेटलेट्स और गिर रहे थे, 27,000 ही रह गए थे। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो रही थी। राजू को खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह बहुत कमज़ोर हो गया था। अब तो मेरा और इनका सब्र का बांध टूट गया। हम लोग रोने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इनके दोस्त संजू साथ में थे। इन्होंने हम दोनों को समझाया कि बच्चे के सामने कमज़ोर मत बनो और इसे दिल्ली लेकर चलते हैं। नागपुर में मेरे भैया और भाभी भी थे, उन्होंने तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक कराई। हम लोग उसी दिन रात 12 बजे दिल्ली पहुंच गए। सुबह होते ही सारी जांचें फिर से चालू हो गई। 8-10 टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल ले जाते और टेस्ट होता। ये सिलसिला रोज हो रहा था। राजू दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। आज करवा चौथ है, मैं उपवास हूँ किंतु पूजा का कोई इंतजाम नहीं है। बेटा बीमार है, उसकी ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड और बहुत से टेस्ट हो रहे हैं। शाम को मैंने चांद को देखने की कोशिश की तो कमरे के अंदर से चांद नहीं दिखा। मैंने वहीं अंदर ही एक गिलास में नल का पानी लिया और अंदाज से भगवान को अर्घ दिया और व्रत को तोड़ा। अगले दिन डॉक्टर ने कहा कि लीवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग बहुत घबरा गए थे, रो रहे थे। तो वहाँ सभी लोगों ने कहा, यहाँ तक डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप लोग झंडा वाली माता के दर्शन करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करिए, आगे सब अच्छा होगा। माता की कृपा से ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ और आज राजू हम सबके साथ है और स्वस्थ है। भगवान सबकी सुनते हैं और आगे भी हमेशा हम सबकी सुनेंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे।